आज बात करेंगे दीपक नाइट्रेट के बारे में। प्रीवियस क्लोज की तरफ आप ध्यान देंगे तो प्रीवियस क्लोज इसका रहा है 2162 का। शुरुआत इसकी लगभग उसी रेंज के आसपास से हुई थी। शुरुआत में इसने अच्छा खासा पिक पॉइंट लेने की कोशिश की, बाद में इसको जाके सफलता मिली। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो शुरुआत में अच्छा पिक पॉइंट लिया, बाद में बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेड किया, लगभग 2150 के लेवल पे पूरी तरीके से आ चुका था। लेकिन ये शेयर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, दो बार हमको दिखता है लगभग मार्केट के एंड होने से थोड़ी देर पहले और मार्केट जब शुरू होता उस वक्त। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि थोड़ा सा वीक बिल्कुल ज़रूर पड़ा था, उसके बावजूद भी इसने दो बार मीडियन बना, एक बार मीडियन स्ट्रॉन्ग वाला बनाया था। सबसे पहला 2170 का मीडियन शुरुआत में बना के इसने छोड़ा नहीं, उसी को पकड़ के आगे बढ़ा, पिक पॉइंट लिया, बाद में दोबारा उसी मीडियन पे आके रुक गया। वहाँ से थोड़ी देर के लिए थोड़ा डाउन ट्रेड इसने किया, ऊपर जाके फिर ये डाउन में आ रहा है। इसका मतलब कल जब कंपनी शुरू होगी तो ये फिर से डाउन ट्रेड के साथ शुरू होगी, इसमें करेक्शंस आने और बाकी है। इस कंपनी में अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है आपका। आपका अगर एक से दो महीने का आपका अगर टारगेट है तो आपके टारगेट के अनुसार इसमें आपका कितना रुपए आप कितना आपका टारगेट होना चाहिए, तो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 212220। जी हाँ, 2220 का आपका टारगेट होना चाहिए। अगले एक महीने के बीच में आपको ये टारगेट पूरा होता हुआ नज़र भी आ जाएगा। इसमें अगर आप अगले 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने बहुत बड़ा नंबर आपको दिया है, लगभग 1000%। मतलब आज से 5 साल पहले इस कंपनी का रेट सिर्फ 200 रुपये शेयर था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ये बहुत जल्दी भागने वाला कंपनी है, तो इसलिए आप इसमें सीधा सीधा एक नंबर लगा के रखिए 10,000 का, जो आपको 5 साल की ज़रूरत नहीं है, 2026 तक आपको ये टारगेट पूरा होता हुआ आसानी से नज़र आ जाएगा।